हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हों। अल्लाह का शुक्र से हम भी बहुत अच्छे हैं। और मैं दिल्ली से हूँ, तो मैंने सोचा है कि मैं आपके साथ अपने डेली व्लॉग शेयर किया करूँ। फ़िलहाल तो मैं अभी, ये मेरा फर्स्ट ही व्लॉग है, इसमें आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा गाइस, जैसे कि मेरी कुकिंग रेसिपीज़। आई लव कुकिंग गाइस, और मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, सो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड ये मेरा आउटफिट है आज का, जिसे मैंने खुद डिज़ाइन किया है, आप देख सकते हैं दिस। और मैं आपको अपनी आगे की अपडेट्स देती रहूंगी, आपको मुझे जानना है तो मेरे साथ आगे जुड़े रहिए। ओके, चलिए आ जाइए, मैं आपको अपने साथ ले चलती हूँ। गाइस तो आ जाइए, आज मैं आपको हरे चिकन की रेसिपी देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर क्या करूँगी आपके साथ, तो देखिए मैं बनाने जा रही हूँ। अब हम अपना जो गैस है वो स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने स्टार्ट कर लिया है। ये गाइस, अब हमारा भगोना गर्म हो चुका है, तो हम इसमें तेल डालेंगे। मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। एक चम्मच दो तीन मैंने चार बड़े चम्मच तेल ले लिया है। अब हम इसमें दालचीनी, सफ़ेद इलायची, काली मिर्च और लौंग डाल देंगे। पीसी हुई पांच प्याज शामिल कर देंगे। मिला देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। हम इसे अच्छे से भून लेंगे, देखिए इसका कच्चापन दूर होने तक। अभी अच्छे से भून चुका है गाइस, देखिए अब हम इसमें अपना चिकन शामिल कर देंगे। मैंने 1.5 kg चिकन लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे, साबुत जीरा, सूखा पिसा धनिया, नमक स्वाद अनुसार, टीस्पून हल्दी। अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इन सबको। अब हम इसे 10 मिनट पकाएंगे गाइस, फिर हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे। 10 मिनट बाद अब हम इसमें हरी मिर्ची, जायफल और जावित्री का पेस्ट शामिल कर देंगे। क्योंकि ये हमारा हरा मसाला है, क्योंकि हमें हरा चिकन बनाना है तो हरा मसाला यूज़ करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर अगेन मिक्स। अब हम इसे 10 से 15 मिनट कुक होने देंगे गाइस।
मैंने फ्लेम तेज ही रखी है, आप भी तेज रखिए और खुला इसे पकाइए 10 मिनट। अब हमने गाइस इसे 10 से 15 मिनट कुक कर लिया है। अब हम इसमें दही डालेंगे ग्राइंड की हुई, अच्छे से फेटी हुई, यानी कि ये देखिए दही शामिल कर दिया हमने इसमें। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। काफ़ी अच्छा कलर आया गाइस, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें हरी ग्रीन चिली शामिल कर देंगे लास्ट में एंड मिक्स इट वेल लाइक दिस, देख सकते हैं आप। अब हम इसे लगभग 5 मिनट और पकाएंगे। मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया है क्योंकि हमें थोड़ा ग्रेवी वाला चाहिए, हमारे घर में सब ग्रेवी वाला ही खाते हैं। अगर आपको ग्रेवी वाला चाहिए तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। आप इसे 5 मिनट और कुक कर बंद कर दीजिए और आपका स्ट्यू एकदम रेडी है। देखिए आप इसे नान के साथ ले सकते हैं। बस ये थी मेरे ग्रीन चिली साबुत मसालों की रेसिपी, जिसमें कुछ साबुत मसाले थे और कुछ कम मसाले थे जो मैंने पीस के डाल दिए थे, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादातर लोगों को ये होता है ना कि खड़े मसाले मुंह में आते हैं और उन्हें पसंद नहीं होते हैं, जब जाते हैं तो पिसे ही खाने पसंद करते हैं, इसलिए मैंने आपको पिसे हुए की रेसिपी दी है। इसमें ज़्यादा खड़े मसाले नहीं है एंड ये बहुत टेस्टी बनाता गाइस, हमारे घर में सब ने बहुत शौक़ से खाया है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा। ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग गाइस, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आज आप सब विदा रहती हूँ। अल्लाह हाफिज़ गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।